कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के रोज पूछे जा रहे सवालों से भौचक पीएम नरेंद्र मोदी को बागी कांग्रेसी नेता शहजाद पूनावाला का सहारा मिल गया। राहुल गांधी की ताजपोशी को लेकर कांग्रेस में उठ रहे बगावती सुरों से मौके की ताक में बैठी बीजेपी को राहुल पर हमला बोलने का मौका मिल गया और सबसे पहला हमला पीएम मोदी ने ही बोला। गुजरात में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जहां कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगाया तो वहीं सवाल उठाने वाले शहजाद पूनावाला को शाबाशी भी दी। गुजरात के सुरेंद्र नगर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि शहजाद ने शहजादे को लेकर सवाल उठाए तो उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई, यहां तक कि शहजाद को सोशल मीडिया ग्रुप से ही हटा दिया गया। पीएम ने कहा कि ये किस तरह का टॉलरेंस है। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा के रिश्तेदार शहजाद पूनावाला ने हाल ही में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर सवाल उठाए थे। शहजाद पूनावाला ने कहा था कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। शहजाद पूनावाला के इस बयान को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि शहजाद तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है, लेकिन अफसोस है कि कांग्रेस में हमेशा ऐसा ही हुआ है। मोदी ने कहा कि शहजाद पूनावाला ने जो सवाल उठाए हैं वही कांग्रेस की संस्कृति है। पीएम मोदी के इस बयान पर शहजाद पूनावाला ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। शहजाद पूनावाला ने लिखा कि वंशवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा, खामोश कराने वाली कोशिशों से मैं नहीं झुकूंगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही पार्टी में उठ रही बगावत उनके लिए परेशानी बन सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।